सो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास पेज स्टोरीज बाहरी। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है थोड़ा नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो में बात करेंगे हम इंडियन पासपोर्ट के बारे में, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट की जो ताकत है, जो पावर है, कुछ ज़्यादा बढ़ गई है 2022 के अंदर। जी हाँ गाइस, इंडियन पासपोर्ट नाउ रैंक्स 84th पोजिशन इन हैनली पासपोर्ट इंडेक्स, विच मीन्स वी एज एन इंडियन वी कैन ट्रैवल अप टू 60 डेस्टिनेशंस विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी प्रायर वीज़ा। जी हाँ गाइस, तो इसी बारे में हम वीडियो में एंड तक बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, बिना किस टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। तो दोस्तों, आज तक हम ये कहते रहते थे कि इंडियन पासपोर्ट की जो पावर है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, हम ज़्यादा कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन गाइस, 2022 के स्टार्टिंग में 1 या 2 तारीख को ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई कि हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 90 से उठकर 84 यानी 84 पे आ गई। गाइस, इससे पहले हम समझते हैं ये हैनली पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है। तो दोस्तों, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है रैंकिंग देता है कंट्रीज़ को, किस बेस पे, कि उन कंट्री के सिटीज़न कितनी अदर कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं ओनली पासपोर्ट से। जी हाँ गाइस, ये रैंकिंग इस बेस पे दी जाती है। तो दोस्तों, इस रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 पे जो है जापान और सिंगापुर ट्रेंड करते हैं, जो 190 के आसपास कंट्रीज़ जो हैं विदाउट वीज़ा के विजिट कर सकते हैं। और इसी रैंकिंग में हमारा इंडिया 90 पोजीशन पे था 2021 में, और गाइस 2022 में हमारा जो इंडिया है वो 84th पोजीशन पे आ गया है, जिसके साथ हम 60 कंट्रीज़ में विदाउट एनी प्रायर वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो 60 डेस्टिनेशन है गाइस, उसमें 2 नई डेस्टिनेशन यहाँ ऐड हुई है जहाँ हम विदाउट वीज़ा एंट्री ले सकते हैं। तो गाइस, उसमें नंबर 1 तो है ओमान और सेकंड 1 है आर्मेनिया। गाइस, आर्मेनिया जाना आज से पहले हमारे लिए थोड़ा सा जो है टिपिकल टास्क होता था, लेकिन गाइस यहाँ नो वीज़ा कर दिया है आर्मेनिया में। अगर एज एन इंडियन हम जाते हैं इंडियन पासपोर्ट पे, तो हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है रिगार्डलेस ऑफ कंट्रीज रेस्ट्रिक्शंस ड्यू टू कोविड। तो दोस्तों, ये जो 2 कंट्रीज़ हैं इन्हें ऐड कर दिया गया है 2022 के अंदर, जैसे ही हमारा पासपोर्ट ऊपर आया हैनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। गाइस, पासपोर्ट आप भी यूज़ करते हैं, पासपोर्ट मेरे पास भी है, लेकिन गाइस उसकी पावर के बारे में पता होना हमारे लिए ये एक ज़रूरी चीज़ बन जाती है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये डेटा आता कहाँ से है, तो गाइस हैनली पासपोर्ट इंडेक्स को IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है डेटा प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ के अनुसार, पासपोर्ट के अनुसार। और फिर गाइस, ये जो इंडेक्स है पूरे साल के अंदर बनता है और पता लगता है कि एंड में कौन सी कंट्री की क्या रैंक है। तो गाइस, सबसे पावरफुल जो है यहाँ सिंगापुर और जापान को बताया जा रहा है। लेकिन हाँ गाइस, हमने भी यहाँ इस बार 6 पोजिशन से टॉप किया है, 90 से हम उठ के 84 पे यहाँ आए हैं। इसी के साथ गाइस, यहाँ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई पासपोर्ट का जो प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ई पासपोर्ट क्या होता है, ये एक चिप होता है, माइक्रोचिप, जिसके जरिए एक आप कहते हैं बायोमेट्रिक्स सेव हो जाते हैं उसके अंदर, और आपको फिजिकल पासपोर्ट लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या इसका जो है प्रोग्राम लाइव कर दिया गया है या अभी ये सिर्फ पायलट प्रोग्राम है। दोस्तों, ये पायलट प्रोग्राम है और अभी तक 20,000 डिप्लोमेटिक ई पासपोर्ट इशू किए गए हैं फॉर ट्रायल बेसिस। जी हाँ गाइस, और गाइस ये जो फेज़ 1 ट्रायल है पिछले 10 साल से चलता आ रहा है, फेज़ 2 ट्रायल 2022 में चालू हो गया है ई पासपोर्ट का। तो दोस्तों, हम जो हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमें ई पासपोर्ट देखने को मिलेंगे, और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर हमारा इंडिया 84 से उठ के 80 या 70s की रैंक में भी हमें देखने को मिले। लेकिन हाँ गाइस, ई पासपोर्ट जो है जल्द ही लॉन्च होने वाला है फॉर नॉर्मल सिटीजन, फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट ऑल्सो। ये पायलट प्रोग्राम है, तो जो ट्रायल्स हैं वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स पे अभी तक किए गए हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये जो पासपोर्ट वाली इन्फॉर्मेशन है ये आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और इससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो मिली होगी कि हम एज एन इंडियन कितना कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, अलविदा लेना चाहूँगा आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते रहेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले इंपॉर्टेंट नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।